गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 9.2 जो दशमलव के राउंडिंग नंबर्स से रिलेटेड है उसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं एक्सरसाइज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का निकटतम इकाई तक मान लिखिए। परीक्षार्थियों, यहाँ पर निकटतम इकाई तक का मान हमको ज्ञात करना है। जब निकटतम इकाई तक का मान ज्ञात करना है तो ऐसी दशा में हम हल करते समय क्या करेंगे कि हल करते समय यह देखेंगे कि दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। यदि दशमलव के तुरंत बाद यानी दशमलव के पहले स्थान पर जो संख्या होगी वह 5 से अधिक है तो ऐसी दशा में हम दशमलव के बाएं साइड में, यानी दशमलव के बाएं साइड का मतलब इस इकाई वाले अंक में हम 1 बढ़ा देंगे। दशमलव के बाएं साइड में जो अंक होगा यानी इस इकाई वाले अंक में हम 1 बढ़ा देंगे और दशमलव के बाद सभी स्थानों पर हम शून्य पढ़ेंगे, शून्य लिखेंगे। इसके विपरीत यदि दशमलव के बाद पहले स्थान पर, दशमलव के तुरंत बाद यानी पहले स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद सभी स्थानों पर हम शून्य पढ़ेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो आइए इसको हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें 5.3 का निकटतम इकाई तक का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हल करते समय कि हम देखेंगे कि दशमलव के तुरंत बाद यानी दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। यहाँ पे दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक है 3 वह 5 से कम है। जब 5 से कम है तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद सभी स्थानों पर हम शून्य लिखेंगे और शेष अंकों को यानी दशमलव के बाएं साइड में जो भी अंक होगा उन सभी को हम यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसलिए 5.3 का निकटतम इकाई तक का मान क्या हो जाएगा, तो दशमलव के बाद शून्य हो जाएगा और दशमलव के पहले जो भी अंक होगा उन सभी अंकों को हम वैसे ही उतार देंगे। इसलिए दशमलव के पहले यानी बाएं साइड में अंक 5 है, हम 5 को वैसे ही उतार देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 5.3 का निकटतम इकाई तक का मान क्या होगा, 5.0। क्वेश्चन हम हल करते समय देखेंगे कि दशमलव के तुरंत बाद यानी दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। जब 5 से कम होगा तो दशमलव के दाहिने साइड में दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर शून्य पढ़ेंगे और दशमलव के बाएं साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसके विपरीत यदि दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक है वह 5 से अधिक है तो ऐसे दशा में हम इकाई के अंक में 1 बढ़ा देंगे, यानी दशमलव के बाएं साइड में जो अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे और दशमलव के दाहिने साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर शून्य लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 5.3 में दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक है 3 व 5 से कम है, इसलिए दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर शून्य लिखेंगे। तो इसलिए दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद 1 के स्थान पर शून्य हो जाएगा
और दशमलव के बाएं साइड में जो भी अंक होगा उन सभी अंकों को हम यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे, इसलिए हम 5 को वैसे ही उतार देंगे। इसलिए 5.3 का निकटतम इकाई तक का मान 5.0 होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 9.7 का निकटतम इकाई तक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर भी हम देखें कि दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक है 7, वह 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक है तो हम दशमलव के बाएं साइड में यानी इकाई के अंक में 1 बढ़ा देंगे। जब 1 बढ़ाएंगे तो 9 है, 9 में 1 बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। और दशमलव के दाहिने साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे, इसलिए 0.7 के स्थान पर क्या होगा? 0 होगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी 9.7 का निकटतम इकाई तक का मान 10.0 हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 11.65 का निकटतम इकाई तक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें कि 11.65 का निकटतम इकाई तक मान क्या होगा? तो दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक है 6, वह 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक है तो फिर हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाएं साइड में जो अंक है यानी इकाई के अंक में हम 1 बढ़ा देंगे। इसलिए जब 1 बढ़ाएंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। और दशमलव के दाहिने साइड में जो भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर 0 लिखेंगे, इसलिए 10.6 के स्थान पर 0, 5 के स्थान पर 0 और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो शेष अंक का यही एक बचा है इसको हम वैसे ही उतार देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 11.65 का निकटतम इकाई तक का मान क्या होगा? तो 12.00। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, 53.149 का निकटतम इकाई तक का मान क्या होगा? तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम देखें कि दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक 1 है वह 5 से कम है। जब 5 से कम है तो हम दशमलव के बाद सभी अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और दशमलव के बाएं साइड में जो भी अंक होंगे उन सभी अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतारा देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा, दशमलव के बाएं साइड में 53 है तो इसको हम वैसे ही उतार देंगे और दशमलव के दाएं साइड में जो भी अंक होगा उन सभी अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे, इसलिए 1 के स्थान पर 0 हो जाएगा, 4 के स्थान पर 0 और 9 के स्थान पर 0, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 53.149 का निकटतम इकाई तक का मान क्या होगा? तो 53.000। इसके बाद से अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान लिखिए। प्रिय छात्रों, यहाँ पर दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो ऐसी दशा में ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक होगा उस पर हम ध्यान रखेंगे कि जो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। यदि 5 से अधिक है तो ऐसे दशा में दशमलव के बाद जो पहले स्थान पर अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे और 1 बढ़ाने के बाद उसके आगे सभी अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और दशमलव के बाएं साइड में जो अंक होगा उन सभी अंकों को हम यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसके विपरीत यदि दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि ऐसी दशा में हम दशमलव के दूसरे स्थान से आगे सभी अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे। आइए हम इसको प्रश्न को हल करके समझते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, 3.79 का दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो ऐसी दशा में हम हल करेंगे 3.79 का दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान बराबर है। अब दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करना है तो हम दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर देखें कि दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक है
9 वह 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक है तो हम दशमलव के बाद जो पहले स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम एक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसलिए जब एक बढ़ाएंगे तो दशमलव के बाद पहले अंक में एक बढ़ाएंगे तो 7 है, तो ये 8 हो जाएगा और इसके आगे सभी अंकों के स्थान पर शून्य लिखेंगे, इसलिए 9 के स्थान पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और दशमलव के बाएं साइड का जो अंक होगा उन अंकों को हम यथावत यानी वैसे ही डाल देंगे, इसलिए दशमलव के बाएं साइड में अंक 3 है इसलिए 3 को हम वैसे ही डाल देंगे। इस प्रकार से 3.79 का दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान क्या होगा, तो 3.80 यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, 173.05 का दशमलव में एक स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों यहाँ पर हम देखें कि दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक है 5, वह 5 या 5 से अधिक होने पर हम दशमलव के पहले स्थान पर जो अंक होता है उसमें एक बढ़ा देते हैं। इसीलिए जब यहाँ पर 5 है तो हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम लोग पढ़ाएंगे, तो दशमलव के पहले स्थान पर 0 है तो एक बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक हो जाएगा और इसके आगे अन्य सभी स्थानों पर क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। इसलिए 5 के स्थान पर 0 हो जाएगा और दशमलव के बाद साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी अंकों को वैसे ही बढ़ा देंगे। इसीलिए दशमलव के बाद साइड में 173 है इसलिए इसको हम वैसे ही डाल देंगे। इस प्रकार से 173.05 का दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान क्या हो जाएगा, 173.10 यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 65.03 का दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम देखें कि दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक है 3, वह 5 से कम है। जब 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, दूसरे स्थान और उससे आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे। इसलिए दशमलव के पहले स्थान पर 0 है तो पहला स्थान का अंक वैसे ही रहेगा और दूसरे अंक और उससे आगे यानी दूसरे तीसरे चौथे अंकों के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसलिए दूसरे स्थान पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दशमलव के बाएं साइड का जो अंक है उनको हमको वैसे ही निकालना है, इसलिए दशमलव के पहले 65 है तो 65 वैसे ही निकल जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी 65.03 का दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान क्या होगा, तो 65.00। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 79.97 का हमको दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम देखें कि दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक है 7, वह 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक है तो हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद पहले स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम एक बढ़ाएंगे, इसलिए ये 9 है तो 9 में एक बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 का 0 और एक हाथ से बचेगा तो एक इकाई वाले अंक में जुट जाएगा, यानी दशमलव के बाद साइड में जो अंक है उसमें हाथ से जुट जाएगा, तो ये आपका 9 10 शून्य हो जाएगा और फिर एक हाथ से बचा है तो 7 में जुट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। और फिर दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर हम क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। यानी 79.97 का दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान क्या होगा, तो 80.00 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों इस प्रकार से हम दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद से अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान लिखिए। प्रिय छात्रों
यहाँ पर दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि जब दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है तो दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर जो अंक होगा उस पर हम ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद जो तीसरे स्थान पर अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। यदि 5 से कम है तो ऐसे दशा में हम तीसरे स्थान से दशमलव के बाद तीसरे स्थान से हम क्या करेंगे शून्य बढ़ेंगे। इसके विपरीत यदि दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर जो अंक है वह 5 से अधिक है तो दशमलव के बाद दूसरे स्थान वाले अंक में हम 1 बढ़ा देंगे और उसकी आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो इस प्रकार से हम दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करते हैं। तो आइए इसमें प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है 21.3663, इसका दशमलव का दो स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो हल करेंगे कि 3.663 का दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पर दशमलव के बाद तीसरे अंक पर ध्यान देंगे। दशमलव के बाद जो तीसरे अंक के स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। यहाँ पर दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर जो अंक 3 है वह 5 से कम है। जब 5 से कम है तो ऐसे दशा में हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद तीसरे स्थान और उससे आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा कि 3.660 यानी दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर ध्यान देंगे कि वह संख्या 5 से कम है या 5 से अधिक है। जब 5 से कम है तो तीसरे स्थान और उसके आगे के अंकों के स्थान पर हम 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इस प्रकार से दशमलव के तीसरे स्थान पर 3 है जो 5 से कम है इसलिए तीसरे स्थान पर हम 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतारना है। इसलिए दूसरा अंक 6 है 6 को वैसे ही उतार दिया। दशमलव के बाद पहला अंक 6 है इसको भी वैसे ही उतार दिए और दशमलव के बाएं साइड में अंक 3 है इसलिए दशमलव के बाएं साइड में इसको भी हम वैसे ही उतार दिए। इस प्रकार से 3.663 का दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान क्या होगा 3.660 यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है 45.845 का दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम ध्यान दें कि दशमलव के तीसरे अंक के स्थान पर संख्या 5 है। जब 5 है तो फिर हम क्या करेंगे कि दशमलव के दूसरे स्थान पर दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे और उसके आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसलिए 41.8 अब यहाँ पर तीसरे अंक के स्थान पर 5 है तो जब 5 है तो दूसरे अंक में हम 1 बढ़ा देंगे इसलिए 4 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा और इसके आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखना है इसलिए 5 के स्थान पर क्या होगा 0 यही आंसर हो जाएगा। यानी 41.845 का निकटतम दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान क्या होगा तो 41.850 होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है 0.845 इसमें भी हमको दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो छात्रों यहाँ पर भी देखें कि दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर जो अंक है वह 5 है। जब 5 है तो 5 या 5 से अधिक होने पर हम क्या करेंगे कि दशमलव के दूसरे स्थान पर दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे और उसके आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे
और शेष अंकों को यथावत मैंने वैसे ही उतार दिया। इसलिए ये हो जाएगा 0.8। अब यहाँ पे तीसरे अंक के स्थान पर 5 है, जब 5 है तो दूसरे स्थान वाली संख्या में हम एक बढ़ाएंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, और इसके आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखना है, इसलिए 5 का स्थान पर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से 0.845 का दशमलव के दो स्थानों पर शुद्ध मान क्या हो जाएगा, तो 0.850 यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है 6.961। इसमें भी हम देखें कि दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर जो अंक है एक वह 5 से कम है, जब 5 से कम है तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि तीसरे स्थान और उससे आगे के स्थानों पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तीसरे स्थान पर 0 और उसके आगे के अंकों के स्थान पर भी 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा 6.96 और तीसरे स्थान पर एक है जो 5 से कम है, इसलिए तीसरे स्थान पर हम क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। यानी 6.961 का दशमलव के दो स्थानों पर शुद्ध मान क्या होगा, तो 6.960 यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों इस प्रकार से हम दशमलव के दो स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का दशमलव के तीन स्थान पर शुद्ध मान लिखिए। प्रिय छात्रों यहाँ पर दशमलव के तीन स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है, तो प्रिय छात्रों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद चौथे स्थान पर हम ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद जो चौथे स्थान पर अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। यदि 5 से कम है तो ऐसे दशा में करेंगे कि चौथे स्थान और उससे आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसके विपरीत यदि दशमलव के बाद चौथे स्थान पर जो अंक है वह 5 से अधिक है तो ऐसी दशा में हम दशमलव के बाद जो तीसरे स्थान पर अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे और उसके आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो आइए इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है 69.5945। इसको हम हल करेंगे 69.5945 का दशमलव के तीन स्थानों तक शुद्ध मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखें कि दशमलव के बाद चौथे स्थान पर जो अंक है वह 5 या 5 से अधिक है। यदि 5 या 5 से अधिक है तो ऐसी दशा में हम दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखें कि दशमलव के बाद चौथे स्थान पर जो अंक है वह 5 है। जब 5 या 5 से अधिक होने पर हम क्या करेंगे कि तीसरे स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा 69.59। अब चौथे स्थान पर 5 है तो 5 या 5 से अधिक होने पर तीसरे स्थान पर यानी दशमलव के बाद जो तीसरे स्थान पर अंक होता है उसमें हम 1 बढ़ाएंगे। तो तीसरे स्थान पर अंक 4 है इसलिए 1 बढ़ाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और उसके आगे के अंकों के स्थान पर 0 लिखते हैं इसलिए चौथे स्थान के जगह पर 0 हो जाएगा यानी 5 के स्थान पर 0। इस प्रकार से 69.5945 का दशमलव के तीन स्थानों तक शुद्ध मान क्या होगा, तो 69.5950 यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है 32.0468।
दशमलव के तीन स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि दशमलव के बाद चौथे स्थान पर जो अंक है, एक दो तीन चार, चौथे स्थान पर जो अंक है वह दो है जो पांच से कम है। जब पांच से कम है तो हम क्या करेंगे कि चौथे स्थान तथा उससे आगे के स्थानों पर शून्य लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही बिता देंगे। इसलिए हो जाएगा 32.046 और चौथे और उससे आगे के अंकों के स्थान पर शून्य लिखना है, इसलिए चौथे स्थान पर दो है तो शून्य हो जाएगा और पांचवें स्थान पर आठ है तो शून्य हो जाएगा, यही दशमलव यानी 32.0426 का दशमलव के तीन स्थानों तक शुद्ध मान क्या होगा, तो 32.0460 यही हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है 0.6633 का। छात्रों यहाँ पर भी हम देखें कि दशमलव के बाद चौथे स्थान पर जो अंक है तीन वह पांच से कम है। जब पांच से कम है तो ऐसे दशा में हम क्या करेंगे कि चौथे स्थान तथा उससे आगे के अंकों के स्थान पर शून्य लिखेंगे और शेष को वैसे ही बिता देंगे। इसलिए 0.663 और चौथे स्थान पर तीन है तो चौथे स्थान पर शून्य और उससे आगे के अंकों के स्थान पर भी शून्य लिखना है, इसलिए चौथे स्थान पर हम शून्य लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। यानी 0.663 यही आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है 125.521। तो प्रिय छात्रों यहाँ पर जो देखें कि चौथे स्थान पर जो अंक है एक वह पांच से कम है। जब पांच से कम है तो ऐसे दशा में हम क्या करेंगे कि चौथे स्थान पर शून्य लिखेंगे, चौथे स्थान पर उससे आगे के अंकों के स्थान पर शून्य लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसलिए हो जाएगा 125.521 और चौथे स्थान पर एक है तो उसके जगह पर शून्य लिखेंगे इसलिए शून्य हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी 125.521 का दशमलव के तीन स्थानों तक शुद्ध मान क्या होगा, तो 125.521 यही आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों इस प्रकार से हम दशमलव के तीन स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करते हैं। अब इसी आधार पर अन्य छोटे विशेष प्रश्नों को आप